सरकार दिल्ली स्थित महापरिनिर्वाण भूमि को राजघाट का दर्जा दे, इस मांग को लेकर आगामी 6 दिसंबर को दिल्ली में रैली की जाएगी। यह मांग मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदेश गजभिये ने की है। रवि भवन में आयोजित पत्र परिषद में इंग्रेश गजबी ने बताया कि 26 अलीपुर रोड दिल्ली स्थित निवास स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नहीं हुआ है। इस जगह पर केंद्र सरकार ने सुंदर स्मारक तैयार किया है। स्मारक की जगह अत्यंत कम है, ऐसे में आसपास स्थित सरकारी और निजी बंगलों को कब्जे में लिया जाए, इसे राजघाट का दर्जा दिया जाए। उन्होंने इस जगह को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की है। आप सभी जानते ही होंगे कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में जिस बंगले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे, जहां उन्होंने रहकर भारत का संविधान को लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ को लिखा और नागपुर में 14 अक्टूबर 56 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, उसकी रूपरेखा भी उन्होंने वहीं पे फाइनल की बनाई और एक भगवान के रूप में उन्होंने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित पिछड़े शोषित वंचित लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदला। तो इसलिए हम लोगों का वो करोड़ों देशवासियों का पावन तीर्थ स्थान है। हमारे कमेटी के लगभग 20 वर्षों के देशव्यापी आंदोलन के बाद अभी 2018 में वहाँ पर एक भव्य स्मारक बन गया है, जो संविधान की खुली किताब की प्रतिकृति आकृति में है। 130 करोड़ रुपए उसकी लागत है और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको बनाकर उसका उद्घाटन किया है। इसलिए हमारी कमेटी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।